बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूं नाहिद। आज हम बनाएंगे स्ट्रीट फूड में मिलने वाली बहुत ही फेमस चिकन चिल्ली की रेसिपी। शादियों में, पार्टियों में और दावतों में भी आजकल इस चिकन चिल्ली को स्टार्टर के तौर पर सर्व किया जाता है। अंदर से चिकन एकदम सॉफ्ट और जूसी बनता है। ये चिकन चिल्ली इतना मज़ेदार बनता है कि बच्चे हो या बड़े, सभी इसे खाना चाहेंगे। तो चलिए, बहुत ही जायकेदार और चटपटे से फ्लेवर वाले इस चिकन चिल्ली को किस तरह बनाते हैं देख लेते हैं। चिकन चिल्ली बनाने के लिए यहाँ पर देखिए, मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन ली हूँ। हड्डी बिना का गोश्त है ये, तो आप चाहे तो हड्डी वाला भी चिकन ले सकते हो। और देखिए, चिकन के इस तरह से छोटे छोटे पीस करवाना है ताकि जब फ्राई करें हम तो चिकन पूरी तरह से अंदर तक गल जाए। तो इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर ले ली हूँ। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे हम 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से। 1.5 चम्मच है यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च डाल सकते हो। 1 चम्मच ली हूँ मैंने चिकन मसाला पाउडर, तो आप कोई भी चिकन मसाला या फिर घर में गरम मसाला हो तो वो डाल सकते हो। 1/2 चम्मच है काली मिर्च का पाउडर, तो फ्रेश काली मिर्च का पाउडर ले कूटकर, तो उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर 2 पिंच हल्दी पाउडर ली हूँ मैंने। अब मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन स्ट्रीट में चिकन चिल्ली मिलती है ना, तो उसका कलर बहुत बढ़िया दिखता है, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालकर इसका घोल बना लेती हूँ, उसके बाद डालूँगी ताकि सभी चिकन में अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये 2 चम्मच मैंने पानी डाल दी हूँ। ये कलर भी डाल देते हैं। अब कोटिंग के लिए इसमें हम 1 चम्मच मैदा डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा मैदा भी नहीं डालना, ये देखिए नॉर्मल 1 चम्मच मैंने मैदा ले ली हूँ। और चिकन चिल्ली को ऊपर से क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर ली हूँ, तो 2 चम्मच हमें कॉर्नफ्लोर डालना है। ये देखिए 2 चम्मच। अब इसमें 1 अंडा डालेंगे हम। तो अंडा और आटे डालने की वजह से चिकन के ऊपर कोटिंग अच्छे से हो जाती है, सभी मसाले अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम चिकन के अंदर। आप चाहे तो हाथों की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हो। ये चिकन चिल्ली बच्चे और बड़े सभी को आजकल बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि स्ट्रीट फूड में मिलती है ना, तो सभी को बहुत पसंद आती है। आप इसे घर पर बनाकर देखिए, बहुत ही मज़े का और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए, सभी मसालों को मैंने चिकन में मिक्स कर दी हूँ। चिकन पे बढ़िया सा कलर आ गया है, कोटिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। इसमें स्ट्रीट फूड वाले टेस्टिंग सॉल्ट डालते हैं, जिसकी वजह से चिकन अंदर तक गल जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस तरह से मसाले लगाकर इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक चला जाता है और चिकन भी बहुत ही अच्छा अंदर से सॉफ्ट और गला हुआ होता है। तो देखिए, इस तरह से हम अब इसे ढककर फ्रिज में रख देते हैं। यहाँ पर चिकन को रखे हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। देखिए, मसाला अच्छी तरह से लग चुका है चिकन में। अब एक बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे और चिकन को हमें फ्राई कर लेना है। तो गैस पर देखिए, कढ़ाई में मैंने तेल अच्छे से गरम कर ली हूँ, इसे फ्राई कर लेते हैं हम। तेल अच्छे से गरम होने के बाद ही इसमें चिकन के पीसेस को डालना है हमें। तो एक एक पीसेस को डालेंगे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे हाफ़ कुक करना है। पहले हम इसे हाफ़ कुक करेंगे, उसके बाद दोबारा से फ्राई करना है, ताकि चिकन हमारा अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाता है और अंदर तक सॉफ्ट और जूसी तैयार होता है। तो अभी यहाँ मैंने थोड़े पीस डाल दिए। गैस की फ्लेम मीडियम करके हम इसे फ्राई करेंगे। एक बार चम्मच चला देते हैं ताकि चिकन कढ़ाई में चिपके नहीं। अब इसे उलट पलट कर मैं फ्राई कर लेती हूँ, और 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, 3 से 4 मिनट हो गए मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करते हुए।
चिकन अभी हमारा हाफ फ्राई है, इसे दोबारा से हम फ्राई करेंगे क्रिस्पी करने के लिए। तो अभी मैं निकाल लेती हूँ, इसी तरह से बाकी सारे चिकन को मैं हाफ फ्राई करके निकाल लूँगी। कोटिंग देख सकते हो आप कि चिकन की हर पीस पर अच्छी तरह से लग चुकी है और कलर भी बहुत बढ़िया है, जैसे स्ट्रीट फूड में आता है वैसा। ये चिकन भी हाफ फ्राई हो गए, इसे भी निकाल लेती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए सभी चिकन को मैंने हाफ फ्राई कर ली हूँ। तो अब इसे हमें दोबारा से तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे, जिसकी वजह से चिकन हमारा अंदर तक पक जाता है और एकदम मक्खन की तरह मुलायम हो जाता है। तो चलिए, उसी तेल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर ली हूँ और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, तेज़ आंच पर एक मिनट के लिए फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम पर चिकन जले नहीं या चिकन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। तो तेज़ आंच पर बस एक मिनट के लिए इसे फ्राई करके निकाल लेना है, ऊपर की लेयर भी इससे क्रिस्पी हो जाती है। यहाँ पर तेज़ आंच पर दोबारा से चिकन को फ्राई करते एक मिनट हो गया है, इसे निकाल लेते हैं हम। ये देखिए कलर देखिए, बिल्कुल बाज़ार में जिस तरह से स्ट्रीट फूड में मिलता है ना, उसी तरह से हमारा चिकन तैयार हुआ है। अभी ये चिकन तो हमारा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और अंदर से जूसी और सॉफ्ट बनके तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इस टाइम पर इस टेस्टी और चटपटे से चिकन को ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही खाने में मज़े का लगता है। लेकिन हम यहाँ पर चिकन चिल्ली बना रहे हैं, इसीलिए इसकी एक ग्रेवी तैयार करेंगे। चिकन चिल्ली की ग्रेवी बनाने के लिए देखिए ये सॉसेस चाहिए हमें। तो ये चिली सॉस है, ये सोया सॉस है, ये ग्रीन चिली सॉस है, ये विनेगर है वाइट विनेगर, और ये टमाटर केचप। तो ये किसी भी मॉल या स्टोर वगैरह में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इसी की वजह से जो भी चाइनीज़ बनाते हैं ना, उसमें टेस्ट अच्छा आता है। तो आज ग्रेवी में हम ये सब चीज़ें डालेंगे। चिकन चिल्ली की ग्रेवी बनाने के लिए गैस पर एक पैन रखी हूँ मैंने, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। चिकन जो मैंने फ्राई किया था उसी का बचा हुआ तेल है ये। अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन। तो देखिए यहाँ पर 10 से 15 मैंने लहसुन की कलियाँ लेकर एकदम बारीक बारीक काट ली हूँ, और 2 इंच अदरक का टुकड़ा था इसे भी एकदम बारीक बारीक काटी हूँ। आप चाहे तो चॉप करके भी ले सकते हो, और इस तरह से कटा हुआ होता है ना तो ही अच्छा टेस्ट आता है। हमने चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, लेकिन यहाँ पर हमें चॉप किया हुआ ही चाहिए। तो अदरक लहसुन डाल देते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चीज़ें हम चाइनीज़ की बनाते हैं ना, उसे थोड़ा तेज़ आंच पर ही हमें फ्राई करना होता है, तभी जाके इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हल्का सा अदरक लहसुन को फ्राई कर लेते हैं, और साथ ही में अब ये 4 से 5 हरी मिर्च कटी हुई है इस तरह से, तो वो भी डाल देते हैं। अदरक लहसुन हरी मिर्च यहाँ पर फ्राई हो गई है। अब डालेंगे हम एक प्याज, मैंने काट कर देखिए इस तरह से टुकड़े काट लियो और इसके एक एक छिलके अलग अलग कर ली हूँ। और यहाँ पर शिमला मिर्च एक कटी हुई ये डाल देते। आपके पास लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च हो तो वो भी डाल सकते हो आप, या आप इसमें गाजर भी डाल सकते हो। इसे भी थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते। अब इसमें डालेंगे हम रेड चिली सॉस। तो ये 2 चम्मच रेड चिली सॉस ले ली हूँ मैंने, ये डाल देते। ये चाइनीज़ आइटम में तो ये सभी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, इसी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये 2 चम्मच मैंने ग्रीन चिली सॉस ली हूँ, ये भी डाल देते। 3 चम्मच मैंने टमाटर केचप ली हूँ। 1 चम्मच है सोया सॉस, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। और 1 चम्मच ये वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका, मिक्स कर लेते इसे। ये देखिए ग्रेवी बढ़िया सी बन रही है हमारी। तो तेज़ आंच पर ही इसे पकाना है हमें, सब्जियों का क्रंची टेस्ट भी रखना है हमें। तो ये हो चुका है, अब डालेंगे हम इसमें देखिए 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लेकर इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डालकर अच्छी तरह से घोल बना ली हूँ, इससे ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। तो ये डाल देते। साथ ही में डालेंगे हम 1 चम्मच लाल मिर्च। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च है, बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 2 पिंच यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर है, और नमक बिल्कुल थोड़ा सा ली हूँ मैंने ग्रेवी के हिसाब से,
क्योंकि हमने चिकन में भी नमक डाला है और जो भी सॉस डाले उसमें भी नमक होता है, तो थोड़ा सा ही नमक डालना है। आगे मुझे लगेगा कि ग्रेवी थोड़ी सूख रही है तो मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी। तो यहाँ पर आधा गिलास में थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि जब चिकन डालें ना तो चिकन के ऊपर ग्रेवी की कोटिंग बढ़िया सी होना चाहिए। एक मिनट ग्रेवी को तेज आंच पर पका लेते हैं हम। यहाँ पर एक मिनट हो गया है, ग्रेवी देखिए इस तरह से थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो इस टाइम पर हम फ्राई किए हुए चिकन को डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे मिक्स कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने तेज़ आंच पर ग्रेवी के साथ चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ और पूरा ग्रेवी का जो फ्लेवर है चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो चुका है और आप देख सकते हो कितना मज़ेदार और कितना टेम्प्टिंग दिख रहा है, एकदम खाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। आजकल शादियों में ये चिकन चिल्ली भी खाने के साथ सर्व की जाती है, तो बहुत ही मज़े की डिश है ये, आप भी ज़रूर बनाइए। हम अलग अलग तरीके से चिकन तो बनाते, सब्ज़ी सालन वगैरह बनाते, इस तरह से भी आप चिकन चिल्ली बनाओगे ना तो घर में इंशाल्लाह सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ये स्ट्रीट फूड में बनने वाली रेसिपी है। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और आपके पास हरी प्याज हो तो इस टाइम पर आप डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है तो बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। ये देखिए गर्मा गर्म चिकन चिल्ली हमारी कितनी ज़बरदस्त दिख रही है, तो इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। आपके घर में अगर बर्थडे पार्टी हो या छोटी सी दावत रखी हो तो चिकन चिल्ली आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि बच्चे हो या बड़े सभी को इस तरह की चाइनीज़ रेसिपी पसंद आती है। बाज़ार से रेडीमेड प्लेट कटोरिया या फिर बॉक्स लाकर इसमें सर्व करोगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा। आज की चिकन चिल्ली की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखे, दुआओं में हमें भी याद रखे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।